थाली भर के लाई रे की चिड़ो ऊपर गी की बाट की। जी मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। चलिए गोपाल जी के लिए खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। हेलो राधे राधे। आज मैं आपको बाजरे की खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनती है। ठंड में बाजरा हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो चलिए, ये बाजरा मैंने अच्छे से साफ कर लिया था। एक कटोरी भर के पहले डाल, इस बाजरे में मैं एक डोंगा चम्मच पानी डाल दूंगी और इस पानी को मैं पूरे बाजरे में एक कटोरी हाथ से मिला दूंगी 5-6 घंटे के लिए। दाल आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा दाल डालती हूँ, चने वाली। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको भिगो के रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए। और ये पूरे बाजरे में मैंने पानी को अच्छे से मिला दिया है और अब इसको मैं ढक के रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए। ये बाजरे को रखे हुए 10-15 मिनट हो गई थी। चलिए अब मिक्सी में इसका कैसे छिलका उतारते हैं वो सब आपको दिखाऊंगी। इस जार को मिक्सी के ऊपर रखते ही मिक्सी अलग से आवाज़ करने लगी थी, तो लगता है भगवान जी को मिक्सी वाली खिचड़ी पसंद नहीं है। तो चलिए अब मैं इस खिचड़ी को आमजस्ते में कूट कर बनाऊँगी। ये पूरा बाजरा मैंने आमजस्ते में डाल लिया है। अब इसको कैसे कूट के और इसका छिलका उतारूंगी वो सब आपको दिखाऊंगी। ये बाजरा कूटना मैंने स्टार्ट कर दिया और इसको कम से कम 10-15 मिनट तक ऐसे ही लगातार छिलका उतारने के लिए कूटना पड़ेगा। ये बाजरे का आप छिलका उतर चुका है, तो चलिए अब इसको और कूटना पड़ेगा। अभी ये पूरा छिलका उतर चुका है बाजरे का, इसको और 5 मिनट में कूट दूंगी। थोड़ा सा और अच्छे से उतर जाएगा। चलिए बाजरे का पूरा छिलका अच्छे से उतर गया। अब इसको मैं छाज में डालकर इसको पिछोड़ूंगी और इसका छिलका अलग करूंगी। तो ये मैं
बाजरा पिछोड़ रही हूँ और प्रांत में इसका छिलका डाल रही हूँ। ऐसे नाली में यह आटा फेंकना अच्छा नहीं होता है, तो इसको मैं गाय की रोटी के साथ दे दूंगी गाय को। ये बहुत सारा छिलका उतरा बाजरे के ऊपर से। अब ये दोनों हाथों की हेल्प से मैं और छिलका उतारने की कोशिश कर रही हूँ। ये छिलका अच्छे से उतर गया है। अब और ये बहुत सारा आटा निकला है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कितना छिलका उतरा है। ये मैंने 1.5 कटोरी बाजरा भिगोया था और कम से कम इसमें 1 कटोरी छिलका उतर गया है। अब इसमें मैं 1/2 डोंगा चम्मच पानी डाल के फिर इसको भिगो दूंगी 10-15 मिनट के लिए। ये बाजरा भिगोए हुए 10-15 मिनट हो गई है और बाजरा अच्छे से फूल गया है। इसको फिर से मैं मामजस्ते में कूटूंगी। तो चलिए अब मैं कूटना स्टार्ट करती हूँ। ये बाजरा हाफ फूट गया है अभी। मैंने बाजरा कूटना स्टार्ट किया तभी मैंने चने की दाल को बॉयल होने के लिए रख दिया था और मैं बाजरा कूट लूँगी तब तक मेरी दाल बॉयल होकर रेडी हो जाएगी खिचड़ी बनाने के लिए। ये बाजरा कूट चुका है, अब मैं इसको निकाल लूँगी डोंगे में। अब चलिए खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं।
ये मैंने कुकर ले लिया है और दाल को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। बाजरा कूट रही थी तब मैं, अब इसमें मैं डाल दूंगी जो दाल मैंने बॉईल करके रखी थी उसको। दाल मैं डाल चुकी हूँ, अब इस बाजरे को डाल दूंगी इसमें। अब इसमें मैं पानी डालूंगी, ये एक डोंगा पानी डाल चुकी हूँ, एक डोंगा और डाल चुकी हूँ इसमें मैं। मैंने इसमें 2 डोंगा पानी डाला है, मतलब 4 गिलास पानी हो गया इसमें। अब इसको मैं दोबारा बॉयल होने के लिए रखूंगी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि दाल तो पहले ही बॉयल हो चुकी थी और बाजरा अभी बिल्कुल ही कच्चा है क्योंकि उसको बॉयल नहीं किया था। तो चलिए अब मैं दोबारा बॉयल होने के लिए इसको गैस पे चढ़ा देती हूँ और ढक्कन लगाकर बिल्कुल स्लो गैस पे चढ़ाऊँगी। लीजिए 10-15 मिनट तक मैंने इसको बिल्कुल स्लो गैस पे पकाया है और इसको अच्छे से मिलाना है। इसमें ज़रा बहुत गांठे वगैरह होंगे उनको अच्छे से मैश करना, फिर इसको गैस पे चढ़ाकर ऐसे ही खुली में 15 मिनट तक और पकाऊंगी। और इसको बीच बीच में हिलाते भी रहना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना, नहीं तो खिचड़ी में गांठे पड़ जाएंगी। अब गैस को मैंने सिम कर दिया है बिल्कुल और बीच बीच में इसको हिलाते रहना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना। लीजिए खिचड़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसमें निकाल कर दिखा देती हूँ कितनी टेस्टी वाली खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। अब इसमें मैं घी लगा दूंगी, घी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खिचड़ी में लगा सकते हैं कम या ज़्यादा। खिचड़ी में मैंने घी भी लगा दिया है, अब मैं गोपाल जी को भी भोग लगा दूंगी। बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनी है, आप भी इस ठंड में अपने गोपाल जी के लिए इतनी टेस्टी खिचड़ी बनाकर खिलाएं गोपाल जी को। लीजिए टेस्टी वाली खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है, एक बार आप भी ज़रूर बनाकर खाएं, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी, नए आइडिया, नई कोई गोपाल की ड्रेस के साथ या नई कोई कुर्ती डिजाइन के साथ या नई कोई रेसिपी के साथ। राधे राधे।